में गाइस आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं रोहित कोटिया आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देखा है, इससे आपको अंदाजा लग चुका होगा आज वीडियो कहाँ का है और कैसा है। आइए आपको हम एजेंसी में लेके चलते हैं, आपको दिखाएंगे एक ऐसी बाइक आई हुई है जो कि होंडा ने एक ऐसी बाइक लॉन्च की है भाई, इस बाइक को जिसमें आप देखेंगे पूरा फुल रिव्यू, तो आपको रियल में इसमें बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए सबसे पहले आपको हम बाइक दिखाते हैं। तो गाइस ये है बाइक, इसके बारे में फुल जानकारी लेंगे जो यहाँ की क्या इसका प्राइस है, सारा कुछ डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। देख रहे हैं अभी आपको फुल बाइक का रिव्यू हम दिखाने वाले हैं। तो आइए भाई गाइस ये आप देख रहे हैं, ये बाइक होंडा की बाइक है। तो जो यहाँ के ऑनर हैं वो इस बाइक के बारे में फुल रिव्यू देंगे। तो इस साइड सजी खड़े हुए हैं, सबसे पहले सर से बातचीत करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो सर सबसे पहले तो आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है, और सर आपको तहे दिल से शुक्रिया कि आपने इतना मुझे मोस्ट समय दिया। थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं होंडा की नई बाइक जो आई है शाइन 100 CC। होंडा के भरोसे के बारे में आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि मोटरसाइकिल का जो दिल होता है वो उसका इंजन होंडा उसी के लिए जाना जाता है। हमारी मेन पहचान वही है कि कस्टमर हमारी गाड़ी के इंजन पे भरोसा कर सकता है। लेकिन कस्टमर की शिकायत हमेशा हमसे ये थी कि हम कोई भी किफ़ायती गाड़ी नहीं निकाल रहे। तो बहुत समय के इंतज़ार के बाद आज ऐसी एक गाड़ी हमारे बीच है जो किफ़ायती है, लोगों को पसंद आ रही है, बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है। तो इसका लुक जो है, जो इसकी पुरानी शाइन आती थी शाइन 125, उससे काफ़ी मिलता जुलता रखा गया है, क्योंकि कस्टमर शाइन 125 को भी पसंद करता था, तो लुक उसी से मिलता जुलता रखा गया है। इसके ग्राफिक्स देखे जाएं, ग्राफिक इसके पूरी तरीके से नए, इसके ग्राफिक्स हैं वो पूरी तरीके से नए हैं और 100 CC के हिसाब से ही बनाए गए हैं। उसके बाद अगर आगे चलें इसके मडगार्ड के ऊपर, मडगार्ड जो है वो इसका कोई भी सामान्य क्वालिटी का नहीं है। जैसे पथरीली रोड होती है, गाड़ी अगर स्पीड में चल रही है तो पत्थर अगर टायर से लड़के इसमें लगता है तो कई बार ये आगे से चिप हो जाता है, जो कि फिजूल का खर्चा है, देखने में भी नहीं अच्छा लगता। तो कंपनी ने इस बार, आप इधर देखेंगे, ये जो है पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है, तो कोई भी पत्थर अगर इस पे लगता है तो ये चिप नहीं करेगा, ये इसका एक फीचर है। उसके बाद हम लोग बात करें अगर इसके इंडिकेटर के बारे में, इंडिकेटर हो गया, कन्नौज जैसे छोटा शहर है, गलियों का शहर है, तो कभी गाय निकल रही है, कुछ निकल रहा है, तो गाय ने सींग मार दिया, इंडिकेटर लटक गया, तो एक फिजूल का खर्चा बन जाता है। तो इसकी मेंटेनेंस कम रखने के लिए इंडिकेटर भी इसके बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, आप चाहे जितना मोड़ लेंगे बिल्कुल भी ये टूटेंगे नहीं। उसके बाद अगर बात करें इसके माइलेज के बारे में, तो होंडा एक ऐसी कंपनी है जो कस्टमर को झूठा दिलासा नहीं देती है कि हम आपको 80 का 100 का माइलेज बताते बाद में 60 का माइलेज दे, तो वो कोई फायदे की बात नहीं है। हम आपको न्यूनतम माइलेज जो होगा, जो कि 75 का है, हम वो आपको गारंटी करते हैं। अगर कोई भी गाड़ी 75 का माइलेज नहीं दे रही है तो तीसरी सर्विस के बाद आप उसको डीलरशिप पे ले आइए, हम स्वयं उसको चेक करेंगे उसमें क्या कमियां हैं, हम स्वयं उसके बारे में देखेंगे। और अगर गाड़ी 75 का माइलेज नहीं देती है या 74 का भी देती है तो आप कंपनी को गाड़ी वापस दे दीजिए, हम आपसे खरीद लेंगे और उस समय की जो कीमत होगी उस हिसाब से आपको पैसे भी दे दिए जाएंगे। तो हम कोई भी आपको झूठे वादे नहीं कर रहे हैं कि आपको माइलेज हम 80 का बता दे बाद में वो 60 का दे। तो मेन इसका माइलेज फीचर हो गया। एक जो फीचर हमारी सारी गाड़ियों में आता है आजकल, नई समस्या है कि इंजन में बदलाव की वजह से, टंकी में बदलाव की वजह से 2.5 लीटर तेल न्यूनतम जरूरी है गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, जो कि आपने अन्य कंपनियों की गाड़ियों में ये दिक्कत महसूस करी होगी। होंडा कंपनी की गाड़ियों में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, आप तेल की एक एक बूंद इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई भी 2.5 लीटर का जरूरत नहीं है इंजन चालू करने के लिए। उसके बाद बात अगर करें पीछे आके, इसका जो पीछे का रियर मडगार्ड है ये भी सेम फीचर है कि पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है, ये बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। सेम यही इंडिकेटर पीछे वाले भी हैं। गाड़ी में लंबी सीट दी गई है जो कि अन्य कंपटीशन से ज्यादा लंबी है, इसमें अगर आप 3 लोग भी बैठाएंगे तो आराम से बैठ जाएंगे। और बात करें इसके सस्पेंशन की, तो इसमें जो सस्पेंशन है वो नया दिया गया है, एंड ये दिमाग में रख के दिया गया है कि
हल्की गाड़ी होने के बावजूद भी कोई भी इसके प्रदर्शन पर कॉम्प्रोमाइज ना हो, प्रदर्शन इसका कम ना हो किसी से भी। बात करें इसके ऊंचाई की, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो आप लाजमी सी बात है कि जब ज्यादा वजन गाड़ी में डालेंगे तो गाड़ी नीचे दबेगी। दबने के बाद भी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ऊंची इतनी रखी गई है कि आप किसी भी समांतर सड़क पे चलाएं या उबड़ खाबड़ सड़क पे चलाएं, कभी भी नीचे से आपको लड़ेगी नहीं, नीचे से कोई दिक्कत नहीं देगी। लंबा व्हील बेस है, लंबा व्हील बेस का फायदा आपको ये मिलेगा कि आपको लंबी सीट मिलेगी, पेट्रोल टैंक आपको लंबा मिलेगा। जो एक और खूबी इस गाड़ी में है कि इसका जो पेट्रोल टैंक है वो थोड़ा पतला बनाया गया है, ताकि कन्नौज जैसी पतली सड़कों में आदमी को गाड़ी मोड़ने में दिक्कत होती है, क्योंकि घुटने आपके जो होते हैं वो लड़ेंगे जब आप हैंडल मोड़ेंगे, लेकिन इसमें आपकी टंकी पतली रखी गई है जानबूझ के, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो गाड़ी मोड़ने में। गाड़ी के दाम के बारे में कि आप सबके लिए किफायती कैसे है, ये गाड़ी आपको एक्स शोरूम प्राइस इसका है 62,900 रुपये, क्योंकि इस सेगमेंट में इससे सस्ती गाड़ी आज के समय में पूरी मार्केट में कोई नहीं है। जो आपकी हमसे शिकायत थी कि हम कोई भी किफायती गाड़ी आपके लिए नहीं लेके आ रहे हैं, तो आज के समय में होंडा शाइन 100 CC से किफायती गाड़ी पूरे मार्केट में अन्य कंपटीशन में किसी भी कंपनी के पास नहीं है। धन्यवाद। तो है गाइस, जैसा कि भी आप देख रहे हैं, आइए आपको हम यहाँ का जो शोरूम है ये दिखाते हैं आपको, यहाँ का कैसा बना हुआ, कैसा है, कैसी गाड़ियाँ लगी, किस तरीके से सारा कुछ दिखाएंगे। तो आइए प्लीज तो आपको गाइस जैसा दिखाते कि हैं। अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये स्कूटियाँ लगी हुई हैं प्रॉपर तरीके से भाई। और आपको जिस समय हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो मतलब नाइट हो चुकी है, मतलब 7 बज चुका है। और तो इस समय ये मैंने समय क्यों रखा, क्योंकि इस समय नॉइस का थोड़ा सा टेंशन नहीं रहता है, इसलिए बिल्कुल हम रात में आएगी, दिन में बड़ा शोरगुल होता है इसीलिए। तो आइए आपको दिखाते हैं, हालांकि स्टाफ आप देख रहे हैं कुर्सियाँ सारी खाली हुई हैं, तो भाई आपको जैसे दिखाते कि हैं। आप आप देख रहे हैं बराबर लगी हुई हैं, अलग अलग हैं, मतलब उनके मॉडल अलग अलग हैं। और इस तरीके बैठते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और मतलब अगर बात की वो जाए कह रहे हैं तो जैसे कि आप डेकोरेशन तो बता बहुत ही बिंदास लग रहा है। और रहे। ये देखिए भाई, मैं क्या ही तारीफ करूं, आप लोग यहाँ पर आए तो इसे विजिट करें आके, तब आपको पता चलेगा इसके बारे में, आप लोग समझ पाएंगे, जान पाएंगे। और मेरी जो ओपिनियन है, देखो इस बाइक के बारे में जो यहाँ के ओनर हैं उन्होंने फुल रिव्यू दिया है, बाइक भाई बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बिंदास है। अगर बात की जाए MRP की, तो MRP तो भाई बहुत ही गजब की MRP है, क्योंकि इससे पहले होंडा, सच में होंडा ने ऐसा मतलब प्राइज ही नहीं दिया था। मतलब अगर अदर कंपनियों से कंपेयर किया जाए तो किसी का इस तरीके से इतनी MRP नहीं है, मतलब जो लेकिन इस इससे समय जो बाइक निकाली होंडा ने बहुत ही कम MRP पे है, और बहुत ही किफ़ायत। और माइलेज की बात की भाई, माइलेज तो बहुत ही बढ़िया है। तो मेरा ओपिनियन तो भाई आप लोगों से यही है कि आप लोग आए एक बार चेक करें आके, विजिट करें आके, जो कि अगर यहाँ की एड्रेस की बात की जाए तो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है और नियर बाई गैस एजेंसी है, मतलब GT रोड पे ही एजेंसी है, शोरूम है, तो आपको आने में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, हमने नंबर भी इसका हाईलाइट कर रखा है, आप कॉल करें, कांटेक्ट करें, आराम से आप यहाँ पर आ तो गाइस जाएंगे। जैसा जैसा कि यहाँ के जो ओनर है उन्होंने इस बाइक के बारे में बताया, मैंने भी ढेर सारी बातें की, मैंने भी आपको ढेर सारी बातें बताई इस बाइक के बारे में, लेकिन ये जो बाइक है सच में भाई बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बिंदास है। अगर जो मेरी ओपिनियन पूछे भाई, जो इसकी MRP भाई क्या ही तारीफ करूँ, MRP बहुत ही गजब की है, मतलब कोई भी बंदा इस बाइक को परचेज कर सकता है, ले सकता है, इतना मतलब इतना कम प्राइस है। और बाइक की जो डिज़ाइन की बात की जाए भाई, डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया है, और कलर इसमें 5 कलर्स हैं, इसमें मतलब 5 कलर हैं, 5 कलर आपको सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे। अगर नहीं भी होंगे तो 2-1 दिन में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसा हो जाता है, क्योंकि दीपावली आ रही है तो बुकिंग लोग करते हैं कि तभी सोल्ड आउट हो जाते हैं, लेकिन आपको सारे ऑप्शन मिल जाए, कहने का मतलब ये इसके है। बारे में बताया यहाँ के ओनर ने भाई, क्वालिटी क्या ही बताऊँ, बहुत गजब की क्वालिटी है इसकी, बहुत ही फ्लेक्सिबल, कहने का मतलब ये है। कई दफ़े ऐसा होता है थोड़ी सी टच हुआ फिर थोड़ी सी टूट गया, लेकिन इसमें ऐसा इशू नहीं आएगा, क्योंकि
क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, और इसके बारे में बताया, मतलब सारा कुछ बताया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बिंदास बाइक है। और इसके बारे में आप लोग जब यहाँ पर आएंगे शोरूम पे, तो आपको अच्छे मतलब अच्छी तरीक़ा से फुल जानकारी और भी मिल जाएगी। लेकिन हमने पूरा प्रयास किया है अपनी इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों को फुल जानकारी दें, रही बात MRP की, रही बात इसके बारे में क्या क्या क्वालिटी है, सारा कुछ बताया है। तो अपनी वीडियो का यहीं पर हम एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्यारा सा लाइक करें, और पहली बार अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें भाई। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, जो कि यहाँ के ऑनर ने बताया, उनकी बातें आपको कैसी लगी हैं, एक प्यारी सी कमेंट करें, और कमेंट करके आप लोग बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।